प्रतिज्ञा बन जाए। बेटा अपनी बहन के खुशी के खातिर तो तुमको भी मार देंगे। ऐसे कहां दिख रहा है वे हैं? अपने बाप को मारकर हमारी बहन को विधवा बना सकता है तो हम तुमको नहीं मार सकते। तुम्हारे जैसा कपूत होने से होता अच्छा था कि मेरी बहन बाज होती। पर सलाज तो कंफर्म हो गया कि कलयुग जो है सर्वनाश की तरफ मुड़ चुका है। न रिश्ता, न नाता, न भैया, न बाप, खाली रुपया, रुपया ही रुपया। चलो कुछ खा लो। देखो तुमने कल रात से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ना ही तुम सोए हो। चलो कुछ खा लो। कुछ खा लो ना कृष्णा प्लीज। देखो हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। चलो पहले थोड़ा खा लो क्योंकि खाली पेट रहना ठीक नहीं। चलो खा लो कृष्णा। यहां देखो, चलो खा लो कृष्णा, खा लो ना। ए आदर्श, हमको हमारे बाऊजी के घर छोड़ दो ना। वैसे तो तुमका भी हमारे साथ चलना चाहिए, काहे कि मुसीबत के समय पे ना असली अपनाइती का पता चलता है। और वैसे हमारे बाऊजी का नहीं किए तुम्हारे लिए, इसलिए ना तुमका भी मौका मिला है हमारे बाऊजी के लिए कुछ हो करने का। और वैसे भी वो तुम्हारे ससुर जी है ना, तो वो घर के लिए तुम्हारी कोनो जिम्मेदारी नहीं बनती का? देखो कुमार, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी और ना ही हम अपने घर वालों के सामने बेवजह अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारी गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है, समझी? अच्छा, अगर तुमको उल्टा सीधा सुनने का शौक नहीं तो कानून काहे करते हो? ठाकुर सज्जन सिंह खखार के थूक देना तो इतना पैसा गिर जाएगा। तू उस आदमी को दफन करने चला है? अरे एक तेरा भाई है वो कृष्णा, अरे अपने परिवार के लिए अपनी जान दे देगा। और एक तू रूप देख, अपना रूप देखे, दिखा दिखा, साला लोमड़ी लगता, लोमड़ी लकड़बग्घा का बाप लगता है तू। तुमको तो जीप में बांध के और 5 किलोमीटर पीछेवाड़ पे घसीटना चाहिए और फिर लतियाना चाहिए, तब होश ठिकाने आएगा। और तुम्हारे साथ यही होगा, जब जीजा जी और कृष्णा बबुआ को पता चलेगा तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। और तुम पुलिस से भी नहीं बचोगे, हर तरफ से घिर गया है तू। मामा हमको बचा लो मामा, हमको पता ही नहीं चला, हम तो उसे बात तक नहीं। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। हाँ फोन फोन देख देख किस दोस्त का फोन है। मामा हम सच्ची कुछ नहीं किया मामा, हमको हमको बचा लो मामा। कहीं जा रहे हो कृष्णा? कृष्णा कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बाऊजी को ले आने। यहाँ घर पे मुर्दों जैसा बैठ के हम बाऊजी के साथ कुछ होए का इंतजार नहीं कर सकते। मामला शक्ति भाई और संकटा मामा के बस का नहीं है, लिए हमका ही जाना पड़ेगा। मखनू सिंह के सीने पे चढ़ के बाऊजी को वापस लेके आएंगे हम अभी। देखो हम जानते हैं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, गुस्से में सही और गलत का पता नहीं चलता है कृष्णा, और इस वक्त तुम बहुत गुस्से में, कहीं तुम्हारे हाथों से कुछ गलत हो गया तो कुछ न होएगा, कुछ न होएगा, जाए दो हमका कृष्णा।